पार्ट नंबर 8 बिल्कुल सिमिलर है पार्ट नंबर 7 से। इसमें हमारे पास तीन जगह पर वेरिएबल गिवन है, मिड टर्म में भी, लेफ्ट हैंड पर भी, राइट हैंड पर भी। तो हम इस पूरी इनइक्वालिटी को स्प्लिट कर देंगे दो हिस्सों में इस तरह से। तो अब हम इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। 2x यहाँ ऐड हो रहा था, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ -2 नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो हमारे पास x इज़ लेस देन 3, ये इसका इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया। इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो 1 -17 एंड 4x -2x। तो 1 -17 -16, तो 4x -2x 2x, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, -16/2। पॉजिटिव नंबर से हमने डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहा, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, -8 इज़ लेस देन एक्स। हम एंड पर इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, -8 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन 3, जिसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे। एक्स इज सच दैट -8 इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन 3। तो इस तरह हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ।